नमस्कार, गोयल सोइंग मशीन की चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं जीटेक क्लच मोटर और पावर सेविंग मोटर जो आती है उस वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको हम क्लच मोटर खोल के दिखाएंगे। क्लच मोटर आती है जो पहले से आती है, वो अपनी इंडस्ट्रियल कोई भी मशीन में अटैच हो जाती है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल मशीन में क्लच मोटर ही लगती थी। ये है क्लच मोटर। ये जो क्लच मोटर है इसमें आपको यहाँ पे एक पुली लगती है और पुली पे बेल्ट लगता है और ये उसके साथ में स्विच आती है। स्विच और इसके फिटिंग के बोल्ट आते हैं, ये तीन बोल्ट आते हैं और कनेक्टिंग का सरिया आता है। अब हम आपको पावर सेवर मोटर खोल के बताएंगे। ये है एसडा कंपनी की पावर सेवर मोटर। इसके अंदर एक कंट्रोलर आता है और मोटर आती है और ये रबर आते हैं। ये है पावर सेवर मोटर। ये जो क्लच वाली मोटर है और ये है पावर सेवर मोटर, वो दोनों के बेनिफिट्स भी है और बैक पॉइंट भी है। ये जो क्लच वाली मोटर है ये कंटिन्यूस चलती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 2850 RPM है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ये हम आपको बताते हैं, इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 2850 RPM है और ये मोटर चालू करने से कंटिन्यूस चलेगी। जब आप क्लच दबाओगे तभी ये मोटर वर्क करती है। इसका मतलब इसका लाइट बिल आपको ज़्यादा आता है, इसलिए पहले यही मोटर आती थी उसके सामने अभी ये जो है पावर सेवर मोटर आई है। इसको पावर सेवर मोटर इसीलिए बोला जाता है कि ये मोटर चालू आप क्लच दबाओगे तभी चलेगी, वापस रुक जाएगी और ये आप 4500 RPM तक इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो उसका कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर पे हम आपको बताते हैं, ये हमने 3200 RPM किया हुआ है, ये हम आपको चला के बताएंगे। ये मोटर साइलेंट भी बहुत आती है, आवाज़ भी कम करती है और दूसरा ये आप सिलाई पे, ओवर लुक पे, फ्लैट लॉक पे, कोई भी मशीन पे आप ये मोटर लगा सकते हो और आप पावर सेव कर सकते हो। ये पावर सेवर मोटर है, हम आपको उसकी मैक्सिमम स्पीड भी बताते हैं। ये 4500 RPM चलेगी। ये देखिए, ये पावर सेवर मोटर है। पावर सेवर मोटर ऐसे अच्छी है, आपको समझ लो कुछ भी 5 से 6 या 8 घंटे का काम है तो आप ये मोटर जरूर लगाए, अदरवाइज आप क्लच मोटर का उपयोग कीजिए। इसका बैक पॉइंट ये है कि इसका कंट्रोलर उठ जाने से अभी तक कंट्रोलर प्रॉपरली रिपेयर या उसका एक्सचेंज की कोई सुविधा अपने इंडिया में नहीं है। कोई कंट्रोलर रिपेयर होता है, उसका कार्ड रिपेयर होता है और कोई नहीं होता है, इसलिए अभी लोग पावर सेवर मोटर बहुत कम प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि इसका टेक्निकली कोई भी सपोर्ट नहीं है। जबकि ये जो क्लच मोटर आती है, क्लच मोटर ऐसे आपको कंटिन्यूस चलेगी तो अगर जल भी जाती है तो आप कोई भी मोटर वाइंडिंग वाले के वहाँ ये रिपेयर करवा सकते हो। ये मोटर में, पावर सेवर मोटर में आपको स्पीड कम करनी है तो ये बटन पे ही हो जाएगी और आपकी स्पीड मशीन स्पीड हाई या लो बटन पे कर सकते हो, इसलिए आपको पुली बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये क्लच वाली मोटर में अगर आपको स्पीड कम करनी है तो ये जो पुली है वो उसके MM आपको कम करने पड़ते हैं, नई पुली डालनी पड़ती है, नया बेल्ट डालना पड़ता है, इसलिए ये मशीन मोटर में आपको ये सब
फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, तभी आपकी मोटर की स्पीड कम होती है। और ये मोटर कंटिन्यूस चलने से इसका लाइट बिल भी ज़्यादा आता है। ये मोटर का जो है लाइट बिल कम आता है। इसलिए आपको कौन सी मोटर पसंद है और आपको कौन सी मोटर लगानी चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। हमने आपको ये दोनों मोटर का डिफरेंस बता दिया, क्लच मोटर में क्या बैक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, और पावर सेवर में क्या बैक पॉइंट और प्लस पॉइंट है। तो ये आप अभी अपने हिसाब से सोच के कोई भी जो मोटर लेनी हो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।